यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के स्टॉक जो स्प्लिट हो रहा है उसके रिगार्डिंग। देखिए, स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू डिक्रीज होता है और उसी के रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। अगर यहाँ बात करें IRCTC के स्टॉक स्प्लिट का, तो पहले फेस वैल्यू 10 था, अब जो नया फेस वैल्यू होगा 2 होगा, तो यहाँ फेस वैल्यू 5 के रेशियो में कम हो रहा है, तो आपके नंबर ऑफ सेल्स 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर फेस वैल्यू जैसे 10 से 2 हो गया, तो यहाँ पर जो आपका एक शेयर है, एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो 500 मिलेंगे, 1000 है तो 5000 शेयर्स मिलेंगे। वही बात करें IRCTC के फंडामेंटल्स का, कंपनी का फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन है। मार्केट कैप 42,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 2,660 रुपीज के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.47% का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 67.4% और यहाँ पर जो पी की बात करें, स्टॉक का पी 158 है जबकि इंडस्ट्री का पी 150, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जिसके कोई कंपटीटर ही नहीं है। कंपनी पूरी तरह से मोनोपोली रखता है अपने बिजनेस में, तो ऐसे मोनोपोली बिजनेस में तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हर गिरावट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरह से कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है वो 297 करोड़ का है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व भी अच्छा खासा है 1307 करोड़ का। और वही बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट का, तो देखिए चार्ट काफ़ी सॉलिड है, चार्ट पे भी ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। और यहाँ पर देखिए ये बेहतरीन एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। साथ साथ बात करें तो इसमें कोई भी रेसिस्टेंस और यहाँ पर सपोर्ट रीजन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ही अभी फॉलो कर रहा है। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा सपोर्ट रीजन होगा वो 2000 का प्राइस होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ से देखिए कई बार यहाँ पर स्टॉक रेसिस्टेंस भी पहले फेस किया था 2050 रुपीज़ पर, तो ये रीजन जो है 2000 से लेकर 2050 रुपीज़ तक ये सपोर्ट रीजन है, इसके आसपास स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। फिलहाल यहाँ तो स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर ऊपर निकलता है 2740 रुपीज़ के, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो IRCTC के जो भी इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी पहले भी मैंने रिकमेंड किया था जबकि ये लगभग यहाँ पर देखिए यहाँ के प्राइस पे चल रहा था 20-40 रुपीज़ के आसपास, उसी समय से मैंने रिकमेंड किया था, तो यहाँ अच्छा खासा 100% का गेन प्राप्त हो रहा है इन्वेस्टर को। और आने वाले समय में भी ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न देगा, तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।